केक वगैरह सब कुछ सज गया है। द कैब्स तो हम सब का ऑर्डर हो चुका है सब। कैचअप वगैरह है ना उसमें तो है ना वहाँ पे दिया ना। सो वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में होने वाला है कुछ स्पेशल, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप देखने वाले हो कि मैं रांची जा रहा हूँ सिल सिटी, और वहाँ पे आज मेरी प्यारी बहना काजल का, प्रिया चौरसिया के नाम से भी जानते हैं, तो आज उनका जन्मदिन भी है। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे काजल। एंड तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग पे बने रहिए एंड ब्लॉग को एंजॉय करिए। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, कल काजल का रिंग सेरेमनी भी है। बिल्कुल रेडी है, निकलने वाले हैं यहाँ से रांची के लिए मैं और पापा। इट्स हेलमेट सब कुछ पहन लेते हैं, लॉन्ग ड्राइव में निकल रहे हैं। फाइनली गाइस रांची पहुंच चुका हूं एंड आप देख सकते हो सिल सिटी। आपको थोड़ा सिल सिटी घुमाता हूं। बच्चे लोग जो है वो खेल रहे हैं गार्डन्स में एंड ये रहा इसका ऑफिस सिल सिटी का। ये मॉल है जो कि अभी फर्स्ट फ्लोर ही है, ओपन हुआ है एंड इधर अपार्टमेंट आगे भी है। वाइड एंगल में पूरा व्यू दिखलाता हूँ अपार्टमेंट का, पूरा अपार्टमेंट देख सकते हो आप। यहाँ पे एक अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट है, आप देख सकते हो। सबसे बेस्ट सेल सिटी का ये जो पार्किंग है ना फोर व्हीलर का, ये बड़ा मस्त लगता है। राइट अभी थोड़ी देर बाद ट्यूबलाइट जलेगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप देख रहे हो ये जो घर है उसे डुप्लेक्स कहा जाता है एंड काफ़ी कॉस्टली आता है ये। ये पर्सनल अपना हो गया। आप सभी को लेके आया हूँ भोलेनाथ का मंदिर और यहाँ पर आप भगवान जी का दर्शन कर सकते हो। जय भोलेनाथ। यहाँ ऑटो भी एकदम पिंक पिंक आंटी चलाती है, देख सकते हो आप। अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट के बीच में ये जो है बच्चों के लिए पार्क है। मेरा बाइकू, अपने बाइक से आया हूँ। खूबसूरत सा मंदिर भगवान जी का, तो मैं पूरा एक राउंड लगा लिया सिल सिटी का। देखो आप ये सिल सिटी का अपना सुपर मार्केट है जो कि अभी फर्स्ट फ्लोर ही ओपन हुआ है। अभी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो मॉल के अंदर मैंने सोचा कि सभी बच्चे को आने देते हैं फिर चलेंगे मॉल के अंदर। फिलहाल आज काजल का बर्थडे है। सिल सिटी के बाहर जो है गुपचुप का, चलो यहाँ टेस्ट करते हैं गुपचुप। अभी इस वक्त गुपचुप खा रहा हूँ मैं, मीठा खट्टा दोनों मिक्स करके। गाइस मैं आ गया अभी लिफ्ट में, फ्लैट जा रहा हूँ और गुपचुप खा लिया, अच्छा लगा मुझे यहाँ का भी सिल सिटी का। फ्लैट आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मौसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नानी बैठी है और अभी इधर मामा लोग हैं, मौसा है, मामा है, मौसी है, सब कोई है इधर। गाइस मेरी दीदी से मिलो आप, और रोमा दीदी और उनके सन है ये एंड बहुत ही क्यूट है। देखो आप तुरंत मेरे से मिल गया, हाथ मिला लिया मेरे से। रेड वेलवेट फाइनली आप देख सकते हो बर्थडे का जो तैयारी है वो हो चुका है। बाबू का क्या नाम है, क्या नाम है? इस फाइनली बर्थडे गर्ल जो है बिल्कुल रेडी है एंड केक वगैरह सब कुछ सज गया है एंड जितने भी सारे लोग हैं वो सभी आ गए। ये देखो गुड़िया, देखो इतना ठंड है और उसको स्कूटी में जाना। हम लोग अभी जा रहे हैं कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, सभी दो गाड़ियां जा रही है, फॉर्च्यूनर जा रहा है, एक सेंट्रो जा रहा है।
उसके बाद भी छोटी को छोटी है, ये स्कूटी में जाना है उसको, एडवेंचर करना है उसको। नहीं, चलो बैठो। एक तो हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट, और बाबू लोग पीछे है। ओ अच्छा, आ गया, हम लोग भी तो आ गया। सभी पहुंच गए हैं फॉर्चुनर से भी, और चलिए द कैब्स रेस्टोरेंट जाना है अभी। द कैब्स रेस्टोरेंट है, एंड देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं हम लोग, जिसको जो खाना है अपनी अपनी चॉइसेस से खाएंगे। इंस्टा स्टोरी में डालेंगे। फाइनली अभी हम लोग सारे बच्चे लोग आ गए, चलो सबको बैठ गया यहाँ पे। बाबू लेके जाता हूँ, ये हमेशा की तरह ड्रामेबाज है, और आज भी ड्रामा कर रही है यहाँ पे। देखो अकेले आके बैठी है, ये वेडिंग्स के लिए है, और मैं शायद एक बार शादी में आया हूँ यहाँ पहले। तो हम सब का ऑर्डर हो चुका है, सब अपने अपने चॉइस से मंगा रहे, ऑर्डर कर रहे हैं। तो सब यहाँ पे बैठ गए। चिकन स्वीट कॉर्न जो कि फाइनली आ गया है। कैचअप वगैरह है ना उसमें, तो है ना वहाँ पे दिया है ना। ये लो अब चिली भी आ गया है, एंड चिकन बटर मसाला एंड बटर। होने के बाद सभी अपना अपना आएंगे। भाई मैंने तो चिकन बटर मसाला ऑर्डर किया। मीट माय क्यूट सिस्टर काजल। आज का जो पार्टी था रेस्टोरेंट में, वो इनके तरफ से ही था, और कल इनका रिंग सेरेमनी भी है। सो ये भी फोटो शोटो ले रहे हैं, ग्रुप फोटो शोटो चल रहा है यहाँ पे। ऑफकोर्स यादगार के लिए ले लो। वैसे बाय द वे ब्लॉग तो बन ही था। हम लोग सब रेस्टोरेंट में खा भी लिए, सब कुछ हो गया, रात हो गया, आई थिंक 10:30 बज गया, हम यहाँ से घर निकलेंगे। सो गाइस, ये मेरा फैमिली है, आप देख सकते हो, इतना बड़ा फैमिली बना दिया मैंने। दिया था कि शादी से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मैं मतलब कि मैं गया तो मेरे फैमिली वाले रहे थे, सब्सक्राइबर सब ने, सबको ब्लॉग में आना था। ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब रीज़न क्या है, वाई? तो एक्चुअली रीज़न तो यही था कि लोगों का प्यार नहीं मिल रहा था मुझे, तो सबको ही बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि प्लीज कर लो ब्लॉगिंग। एंड ऑफकोर्स काजल एक ब्रांड है, सो हर कोई इसके एंगेजमेंट को देखना चाहेगा, एंड चाहता भी है, चाह रहा होगा। सो मैं इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है ब्लॉगिंग कर लेते हैं। बस आप सब ये बता देना, ब्लॉग एक ही शर्त पे आएगा, अगर इस वीडियो पे 150 प्लस लाइक्स अगर होंगे, देन मैं एंगेजमेंट वाला ब्लॉग अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।